hope you're fine. We had completed our reading of chapter 1 in regular classes. Today we are going to start question answers of unit number 1, world geography, that is copy work. Question number 1 is that what information would you find on a physical map? Students, जब हमने रीडिंग की थी तो हमने जो है वो डीपली पढ़ा था कि फिजिकल मैप क्या होते हैं. फिजिकल मैप जो है, अ फिजिकल मैप शोज हिल्स, माउंटेन, रिवर, वैली एंड अदर लैंडफॉर्म्स. मैप में जो फिजिकल मैप जो है वो शो जो करता है वो क्या, फिजिकल मैप में क्या क्या चीजें शो होती हैं, उनमें हिल्स यानी कि छोटी छोटी चोटियां, माउंटेन पहाड़, रिवर दरिया, वैली वादियां और बहुत सी दूसरी लैंडमार्क, बहुत सी दूसरी जमीन जो है ये फिजिकल मैप में शो की जाती है. क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. आपने मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड के बारे में जो है डिफरेंस बताना है. बेटा इसके लिए मैं डायग्राम दिखाऊंगी. आप ये देख रहे हैं कि पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या होता है. जी स्टूडेंट, लॉन्गिट्यूड में क्या होता है कि आपके पास वर्टिकल लाइन एक जो है अर्थ जो जैसे कि स्क्वायर बॉल के फॉर्म में है, जैसे मैंने रीडिंग में आपको बताया था, उसमें जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ जो जो लाइन जो वर्टिकल ड्रॉ होती हैं उन्हें हम कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. सेम इसी तरह पैरेलल लाइंस जो ड्रॉ की जाती हैं अर्थ में वो कहलाती हैं लैटिट्यूड. एक और पिक्चर इसको एक्सप्लेन कर, क्लियर हो जाए, मैंने पॉज किया. और अब एक और पिक्चर दिखाऊंगी अर्थ में, आपको पता चलेगा. आप देख रहे हैं जैसे कि मिड लाइन आपको क्या शो कर रही है, इक्वेटर. बेटा इक्वेटर क्या है कि ये अर्थ को जो है वो हाफ में डिवाइड करती है, एक सेमी स्फीयर जो है वो स्फीयर से कहा जाता है. ठीक है, आप इसको किसी भी एंगल से देख लो यही इसका मिड पॉइंट होगा. फिर मैंने कहा लॉन्गिट्यूड, अब आपको वर्टिकल देखें अर्थ में आपको वर्टिकल लाइंस नजर आ रही हैं, ये आपके पास मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड है. इसी तरह आपको पैरेलल लाइंस देखें आपको नीचे नजर ऐसे नजर आ रही होंगी, ये आपके पास क्या है जो है ये आपके पास लैटिट्यूड है, पैरेलल ऑफ और लैटिट्यूड. पैरेलल लाइंस क्या होते हैं कि इसके सीक्वेंस से नीचे आपके पास लाइंस आती जाएंगी. थैंक यू. जी स्टूडेंट, अब आंसर्स की तरफ आते हैं. द वर्टिकल लाइन, जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था, द वर्टिकल लाइंस आर ड्रॉन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. नॉर्थ और साउथ से जो वर्टिकल लाइन बनती है वो क्या कहलाती है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. वाइल जबकि द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर ड्रॉन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जो इस तरह की लाइन जा रही थी अर्थ में जैसे कि मैंने पिक्चर्स में आपको दिखाया, वो क्या होती है, पैरेलल टू इक्वेटर. इक्वेटर भी मैंने आपको अर्थ में शो कराया था कि अर्थ को मिड से जो लाइन कट की जाती है वो इक्वेटर है, आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. क्वेश्चन नंबर 3 देखें, हाउ डू वी शो डायरेक्शन ऑन अ मैप. अब मैप में डायरेक्शन मतलब हमें कैसे चलेगा कि हमने किस तरफ मूव करना है, तो वो डायरेक्शन कैसे मैप से हम फाइंड आउट करते हैं, शो करते हैं. व्हेन वी लुक एट अ मैप, जब हम मैप में देखते हैं, वी यूज द कार्डिनल डायरेक्शन, हम कार्डिनल डायरेक्शन यूज करते हैं. अब कार्डिनल डायरेक्शन क्या होती है, डायग्राम की तरफ आए कि बेटा मैप में इस तरह की डायरेक्शन होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मतलब अर्थ इस अर्थ के दरमियान में, ठीक है, इसका पूरा स्क्वायर करेंगे अर्थ है, उस अर्थ में ऊपर की तरफ नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट. जब भी डायरेक्शन की बात होगी बेटा ये होते हैं कार्डिनल डायरेक्शन, इनकी हेल्प से हम जो है वो डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. इसके अलावा उन्होंने कहा है वी आल्सो यूज कार्डिनल डायरेक्शन जो है इंटर वी आल्सो यूज द इंटर कार्डिनल डायरेक्शन. अब एक तो था कार्डिनल डायरेक्शन, अब इंटर कार्डिनल डायरेक्शन क्या होता है, इसका फर्क देख लें. जब मैं आपको कहूंगी कार्डिनल डायरेक्शन, देन आपने जस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट को स्टडी करना है. जब बात आती है इंटर कार्डिनल डायरेक्शन, तो नॉर्थ और ईस्ट इसके दरमियान हमने डायरेक्शन देखनी होती है, नॉर्थ और वेस्ट इन दोनों के दरमियान में, इसी तरह साउथ और ईस्ट, साउथ और वेस्ट इनको डायरेक्शन, यानी कि दो डायरेक्शन के दरमियानी एरियाज को हमने जो है वो उनको मेजर करना, डायरेक्शन देखनी है. अब देखिए वी ऑल्सो यूज द इंटर कार्डिनल डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, सीधा नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट. देखिए सीधा साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शन आपके पास यूज होती है मैप में. क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, हाउ डू वी फाइंड अ प्लेस ऑन अ मैप.
हम जो है हाउ डू वी फाइंड, हमने क्या फाइंड करना होता है, प्लेस जगह ऑन द मैप, मैप पर वी फाइंड अ प्लेस ऑन अ मैप विद हेल्प ऑफ कीज। आपने कीज की मदद से जो है अपनी फाइंड अपनी जगह को जो है वो फाइंड आउट करना होता है। अब क्वेश्चन कहते हैं कीज क्या होती है, आप अपने दोबारा मैप में आ जाएं। बेटा मैप में आपको कुछ शो किया होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ, जैसे कि रोड को उन्होंने ऑरेंज लाइन, जहां जहां ये रोड है यहाँ यहाँ आपके पास जो है ऑरेंज लाइन से मेंशन किया गया। इसका मतलब है कि ये आपने अगर कहीं जाना है, आपने सड़क देखनी है, तो आप अपने मैप ओपन करते हैं, वहां पे अगर आप गूगल में मैप ओपन करें तभी वो आपको एक रेड सी लाइन शो करती है कि आपने रोड में कहां कहां जाना है। सेम इसी तरह अगर आपने रेलवे लाइन को फोकस करना है, देन आपके पास ये देखें ये वाली लाइन आपके पास रेलवे लाइन को फोकस करेगी। इसी तरह आप रिवर को देख सकते हैं, स्काई ब्लू लाइन रिवर को शो कर रही है। बिल्डिंग के लिए उन्होंने जो है रेक्टेंगल से शेप बनाई हुई है, जहां जहां रेक्टेंगल्स बनाए हुए हैं उन्होंने ये देखें ये सारी जो है यहाँ पे बिल्डिंग्स है। अगर आपने किसी घर का पता वगैरह करना हो तो आप मैप में इन बिल्डिंग्स पे जो है ना फोकस करेंगे। अगर आपने मॉस का फाइंड करना देखें, जहां मॉस उन्होंने बनाई हुई है मैप में, ये आपके पास होते हैं की पॉइंट। जैसे कि डॉट का मतलब है वेल्थ, जहां जहां बेटा ये डॉट है, जैसे कि ये डॉट नजर आ रहा है आपको, ये डॉट यहाँ पे क्या है, ये वेल्थ। और ये ब्रिजेस देख लें आप, ब्रिजेस के लिए उन्होंने ब्रैकेट्स यूज की हुई है, ठीक है। इसी तरह से आपने ये आपके पास कीज होती है जिससे आप मैप को स्टडी करते हैं, वो फाइंड करते हैं वो जगह जहां पर आपने जाना हो मैप पे, ठीक है। अब पढ़ते हैं वी फाइंड अ प्लेस, हमने जो भी जगह फाइंड करनी होती है ऑन अ मैप, मैप पर। अब हमें क्वेश्चन की समझ आ रही है कि मैप पर हमें जगह कैसे फाइंड करनी होती है, किससे, विद द हेल्प ऑफ की। मैप में वो जो पॉइंट उन्होंने साइड में लिख दी वो कहते हैं कीज। इट टेल, ये बताती है व्हाट द सिंबल्स एंड कलर, वो क्या निशानियां हैं या वो क्या कलर्स हैं जो यूज होते हैं मैप पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाए, फाइंड पाकिस्तान यूजिंग द इंडेक्स ऑफ एन एटलस। स्टूडेंट एटलस जैसे कि रीडिंग में मैंने कहा था कि ये एक बुक होती है जहां पे मैप जो है वो एक कहीं बुक होती है, हर किसी का पाकिस्तान का मैप, हर एक का मैप इसमें जो इंक्लूड होता है। आपने उस मैप को अपने नेट से निकालें, सर्च करें, उससे अपने पाकिस्तान में जो जो यूज हो रही है आपने वो आपकी करनी है, जस्ट लाइक एज एक्टिविटी।